हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को? फिर से हमारा एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सोने नहीं दे रहा है, कुछ भी करने नहीं दे रहा है। Y20 भैया, Y20 अनलॉक कैसे होगा? Y20 को हार्ड रीसेट कैसे करते हैं? आप कैसे किया है हार्ड रीसेट? तो हार्ड रीसेट सोल्यूशन बता दो। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोल के थक गया हूँ। मैं एक वीडियो बनाया, वो वीडियो देखा नहीं आप लोगों ने, तो मैंने सोचा कि और एक वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए। तो मैं आज बता दूं कि वीवो Y20 जो है हार्ड रीसेट नहीं होता। वीवो का कोई भी फ़ोन हार्ड रीसेट नहीं होगा, वीवो ही नहीं, रियलमी ओप्पो हार्ड रीसेट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बना के अपलोड किया इसलिए कि हमारा चैनल में कुछ व्यूज़ आ जाए। आप लोग सोच कोई जेन्युइन कंटेंट डालता हो तो आप लोग देखते नहीं हो। तो ऐसे में मैंने एक मजाक करके वीडियो बना के अपलोड किया था, तो आप लोगों ने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दिया था मेरा। तो आप लोगों ने मुझे इतना परेशान कर रहा है भाई, ये मोबाइल जो है असल में अनलॉक Y20 जो है हार्ड रीसेट नहीं हो रहा हुआ था। मैंने MIT से अनलॉक किया था, अनलॉक करने का बाद ये हार्ड रीसेट का वीडियो बनाया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऑनलाइन अनलॉक करवाना चाहते हो, वीवो, रियलमी, सैमसंग, जितना भी फ़ोन ऑनलाइन अनलॉक होता है, तो ऑनलाइन अनलॉक करना चाहते हो आप लोग, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए भाई लोग, कॉल मत कीजिए। आप लोग मुझे सोने नहीं दे रहे, रात 2 बजे भी कॉल कर रहा है, सुबह शाम, कुछ भी करने नहीं दे रहे आप लोग मुझे, तो कॉल करते ही रहता है हर बंदा, भाई ये कुछ बता दो भाई, तुमने हार्ड रीसेट किया? भाई मैं असल में ये हार्ड रीसेट नहीं हुआ था, मैंने वीडियो बनाया कि हमारा चैनल में थोड़ा मोड़ा व्यूज़ आ जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये वीडियो बनाने के लिए। तो हमें बहुत रेस्पॉन्स मिला है आप लोगों से कि आप लोग सच सुनना नहीं चाहते हो, झूठ सुनना पसंद करते हो, पब्लिक को झूठ सुनना पसंद कर, पब्लिक झूठ सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा आज का दिन में। तो फ्रेंड्स, क्या है ना, आप लोग वीवो Y20 अनलॉक करना चाहते हो तो पहले मोबाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद एक टेस्ट पॉइंट मिलता है अंदर, टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करके USB को कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये मोबाइल स्नैपड्रैगन कॉलकॉम मोड में कनेक्ट होता है, ईडियल मोड में कनेक्ट होता है, तब जाके ये अनलॉक होता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे फ़ोन है, U20 है, वीवो Y20 है, Y20i है, ये स्नैपड्रैगन CPU लगाया हुआ है इसका अंदर, तो ये ऐसे अनलॉक नहीं होगा जैसे नॉर्मल मोड में अनलॉक हो जा रहा था वीवो Y12, Y30। तो ये MediaTek CPU, जितना भी MediaTek CPU है, ये USB कनेक्ट करने के बाद ही पकड़ लेता है, MediaTek बूट पकड़ लेता है। तो स्नैपड्रैगन वाला जितना भी वीवो का फ़ोन है, MI का फ़ोन है, तो टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके ही कनेक्ट करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग रियलमी का फ़ोन अनलॉक करना चाहते हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर रियलमी, वीवो, ओप्पो फ़िलहाल बंद है, तो सैमसंग, बहुत सारे फ़ोन ऐसा है, तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वीडियो के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, सॉरी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। तो फ्रेंड्स, कॉल मत कीजिए, ठीक है। वीवो MediaTek का जितना भी फ़ोन है हो जाएगा, किसी भी बंदे को मैं दे सकता हूँ, अनलॉक करके दूंगा किसी भी बंदे को, वीवो MediaTek का प्रोसेसर जितना भी फ़ोन में लगा हुआ है, तो जैसे कि वीवो Y12 है, S1 है, S1 Pro में तो स्नैपड्रैगन है, S1 Pro को ओपन करना पड़ेगा। तो नॉर्मल बंदे को मैं वीवो Y20 में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि वीवो Y20 ओपन करना पड़ता है, तो आप लोग ओपन नहीं कर पाओगे,
तो फ्रेंड्स किसी शॉप में जाके अनलॉक करवा लेना, मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत कीजिए। तो किसी शॉप में जाके अनलॉक करवा लेना आप लोग। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, आप लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहले बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड वीडियो में अपना चैनल पर हमेशा ही अपलोड करता ही रहूँगा। और फ्रेंड्स आप लोग झूठ सुनना चाहते हो या सच सुनना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे बताना कि मैं झूठ वीडियो बनाऊँ या सच, असल में सच वीडियो बनाऊँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग झूठ सुनना चाहते हो या सच सुनना चाहते हो। तो फ्रेंड्स ये वीवो रियलमी ओप्पो ये सैमसंग FRP बहुत सारे फ़ोन हैं, FRP ये बाईपास नहीं होगा, अनलॉक हार्ड डिसेट नहीं होगा, फ्री में नहीं मिलेगा आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो देख देख के। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आने में लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कोई जानकारी लेना है तो व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।